नमस्कार प्रिय दर्शकों हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आजकल प्रायः पिछले कुछ दिनों से कमेंट में लगातार आप सभी दर्शक एक प्रश्न पूछ रहे हैं प्रश्न क्या कि मेरी जन्म कुंडली में तो राजयोग बहुत सारे हैं आपके बताए अनुसार राजयोग जैसा आप ग्रह स्थिति बता रहे हैं वैसे घटित भी हो रहा है लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा वैसे तो मुझे जहां तक याद आ रहा है कि आज जो विषय मैं आपको बताने जा रहा हूं इसे या तो मैंने किसी जन्म कुंडली के द्वारा बताया था या किसी जन्म कुंडली के बीच में समझाया था लेकिन स्वतंत्र रूप से आज इस विषय को मैं पुनः आपको समझाने जा रहा हूं कई बार यह स्थिति उत्पन्न होती है कि आपकी जन्म कुंडली में निसंदेह बहुत मजबूत स्थिति है लेकिन इसके बावजूद मजबूत ग्रह स्थिति के या राजयोगों के होने के बाद भी आपको इन सभी राजयोगों का लाभ नहीं मिल पाता कारण कारण है महादशा यह महादशा है क्या यह महादशा राजनीति की वही पांच साल की पारी है जिस पार्टी के पास हो उसी का दबदबा होता है उसका कोई कैंडिडेट चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो उसके पास ये पावर होता है कि वो जो चाहे वो करे लेकिन विपक्षी पार्टी के पास चाहे कितना भी मजबूत कैंडिडेट क्यों ना हो वो कुछ नहीं कर सकता हल्ला मचाने के अलावा जी हाँ। जन्म कुंडली में महादशा का रोल यहीं पर आकर के तय होता है उदाहरण से समझिए कई बार ऐसी कुंडलियां सामने देखने को आती हैं जहां अंश बल ग्रहों का कमजोर है कुंडली में ग्रह स्थिति कमजोर है परंतु जातक का विकास बेहद सरल ढंग से आसानी से हो रहा है इसके पीछे कारण होता है जिस लग्न में जातक ने जन्म लिया है उस लग्न से संबंधित ग्रहों की महादशा का चलना उदाहरणार्थ अगर आपने सबसे पहले तो आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए इस विषय को समझना बेहद आवश्यक है क्योंकि हो सकता है आपकी जन्म कुंडली में ग्रह बेहद कमजोर हो तो इसका यह मतलब नहीं कि ग्रह बेहद कमजोर कम, कम अंशों पर हैं राजयोग नहीं है तो आपका जीवन असफल होगा हो सकता है आपके लिए वो महादशा चल रही हो जो आपके लग्न से संबंधित हो तो अंश बल कम होने के बावजूद राजयोग ना होने के बावजूद भी आप अपने जीवन काल में हर वो सुख हर वो सफलता हासिल कर सकते हैं जो कि किसी और की कुंडली में ग्रह बल मजबूत होने के बावजूद उसे मिल नहीं रहा है तो सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए नवग्रहों में से ही किसी की महादशा आपको चल रही होगी अब जरा आप देखिए कि आपकी कुंडली में लग्न का स्वामी कौन है अब जो लग्न का स्वामी है क्या उससे संबंधित महादशाएं लगातार आ रही हैं या उसके विरुद्ध वाली महादशाएं लगातार आ रही हैं इसको ध्यान से समझने की आवश्यकता है उदाहरणार्थ आपकी कुंडली मेष लग्न की है और जरा देखिए कि मेष लग्न की कुंडली है और क्रमबद्ध तरीके से अगर आप देखें तो बाल्यकाल में ही आपके गुरु की महादशा निकल गई और अब आपको शनि की इसके बाद क्रमबद्ध तरीके से बुध की केतु की और शुक्र की आ रही है गिनिए जरा सा कि जैसे ही आप उम्र के सोलह चलिए मान लीजिए पूरा पूरा सोलह वर्ष आपको देवगुरु बृहस्पति की महादशा आपको प्राप्त हो गई पूरा पूरा अगर प्रारंभिक दौर में ही आ गया और पूरा पूरा आपको देवगुरु सोलह साल के बाद लेकिन अब सोलह साल के बाद उन्नीस साल के लिए देव की महादशा सत्रह साल के लिए बुध की महादशा सात साल के लिए केतु की महादशा और बीस साल के लिए शुक्र की महादशा अब आप अपनी जन्म कुंडली को देखते हुए परेशान हैं कि मेरी कुंडली में रूचक राजयोग है गज केसरी योग है केंद्र त्रिकोण राजयोग है कई सारे महापुरुष योग लगे हैं परंतु मिल तो मुझे कुछ नहीं रहा है कहां से मिले ये वैसे ही है कि आप विपक्ष में अभी काम चल रहा है आपके साथ बल तो आपके पास बहुत है आपके कैंडिडेट भी मजबूत हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते हल्ला मचाने के अलावा उनसे कुछ नहीं होगा क्योंकि आपकी पारी नहीं चल रही है इस समय किसी और की पारी है पांच साल की पारी वो ले रखा है आप कुछ नहीं कर पाएंगे बस इतनी ही बात है अब यही अगर आपकी जन्म कुंडली मेष लग्न की है उदाहरण से समझा, समझा रहा हूं आपको और आपको क्रमबद्ध तरीके से सूर्य की महादशा मिल रही है जैसे जन्म लिया और जन्म लेते ही शुक्र की महादशा थी समाप्त हो गई सूर्य चंद्रमा मंगल राहु अगर बीच में आग आए भी तो ये राहु यहां पर नुकसान नहीं कर पाएंगे उसके बाद जो है क्योंकि गुरु आने वाले हैं अब सूर्य चंद्रमा और मंगल क्रमशः चलते चलते जातक की उम्र अगर 30 साल की हो गई 35 साल की हो गई तो राहु नुकसान वहां नहीं करेंगे वरन राहु भी जातक के लाभ में वृद्धि ही कराने वाले होंगे फिर इसके बाद गुरु आ जाएंगे तो जीवन का एक बड़ा काल अच्छी महादशा में निकल जाएगा महादशा आपकी जन्म कुंडली में चलने वाली महादशा यह तय करती है कि आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह बल है ग्रह स्थिति है वो आपके लिए लाभदायी है या नहीं राजयोग होने के बावजूद आप इसका लाभ ले पाएंगे अथवा नहीं इसी के कारण कई सारी ऐसी कुंडलियां मेरी नजरों के सामने से गुजरी जहां राजयोग एक से पढ़कर के एक जातक परेशान वो जब अपनी कुंडली को देख रहा है सूत्रों को मिला रहा है तो उसको लगता है कि मेरी कुंडली में तो सारे राजयोग बने हुए हैं मिल मुझे क्यों नहीं रहा अब प्रिय दर्शकों मेरे द्वारा बताए मेरे पूर्व के ज्योतिष के कार्यक्रम अगर आप पूर्व से देखते आ रहे हैं तो ये तो मैंने राजनीति के हिसाब से आपको समझाया मैं सदैव कहा करता हूं कि ग्रह को तत्व के रूप में आप समझिए अगर आप अग्नि तत्व के व्यक्ति हैं अग्नि तत्व ही आपका जागृत और अग्नि तत्व के जागृत होने से आप अपने जीवन काल में सब कुछ पा रहे हैं अब वहां आपके तत्व से संबंधित महादशा आपको नहीं मिली तो आपका तत्व जागृत ही नहीं होगा वो तत्व उस अवस्था में होगा जहां क्षमता है वो तत्व कर सकता है अग्नि में इतना बल कि वो सब कुछ कर दे लेकिन अग्नि को जलने का मौका भी मिला तो कहां जल पर पानी पर तो अग्नि जलेगी कहां पराक्रम दिखाने का अवसर मिलेगा कब मिलेगा ही नहीं शुक्र की बीस साल की महादशा आई धरा रह गया सारा का सारा पराक्रम अब किया क्या जाए जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा क्योंकि जिनके पास क्षमता कम हो और उनको मिल रहा है और इसमें उनका दोष नहीं इसमें उनका भाग्य कहिए यानी अगर आप मुझसे यह पूछें कि क्या ऐसी कुंडलियां कमजोर मानी जाएंगी जिनकी जन्म कुंडली में ग्रह बल तो बहुत अच्छा है लेकिन महादशा लग्नेश के हिसाब का नहीं है भाग्येश के हिसाब का नहीं है तो क्या यह कुंडली कमजोर हुई अगर साधारण तरीके से कहें साधारण तरीके से तो निसंदेह यह जन्म कुंडली कमजोर हुई साधारण तरीके से क्यों जब फायदा ही नहीं मिल रहा तो सीधा सीधा कहना होगा कि कुंडली बेहद कमजोर है नहीं साधारण तरीके से इसलिए क्योंकि लग्न का बल अगर बलि है लग्न का बल अगर बलि है आपके लग्न से संबंधित ग्रह बलि हैं बस इतना ही है कि आपकी महादशाएं आपको सपोर्ट नहीं कर रही हैं तो आप यह काम तो कर ही सकते हैं कि जिस क्षेत्र से आप जीते हैं उस क्षेत्र में तो काम कर ही सकते हैं उस क्षेत्र में तो अपना दबदबा बना ही सकते हैं उस क्षेत्र में तो आप अपना वर्चस्व बढ़ा ही सकते हैं चलिए अभी नहीं अगली तो आपकी पार्टी की पारी आ सकती है उस समय आप अपने दबदबे का अपने मेहनत का अपने सार्थक प्रयास का लाभ उठा लीजिएगा जी हां यह आप कर सकते हैं अगर आपकी जन्म कुंडली में आपके लग्न से संबंधित ग्रह बल बलि हैं तो आप पुरुषार्थ करके मेहनत करके निसंदेह जहां बाकियों को दो करने पर चार मिल रहा है आपको दो करने पर अगर दो भी मिल जाए तो कोई बुराई नहीं है आने वाले समय में जो आपने दो और दो किया है वो आगे चल करके आठ हो जाएगा कोई बड़ी बात अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि चलिए ऐसी स्थिति मेरी कुंडली में है मेरी कुंडली में जो महादशा चल रही है वो मुझे सपोर्ट नहीं करती अब क्या करें क्या किया जाए कि हम अपनी जन्म कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ ले पाए देखिए सामान्य शब्दों में मैंने कहा कि ये कुंडली तो कमजोर हुई लेकिन आपके पास कुछ विकल्प है आप इन विकल्पों को आजमाइए इन विकल्पों का लाभ उठाइए पहला विकल्प जो कि मेरी नजर में श्रेष्ठतम विकल्प है अपने इष्ट देव की आराधना मैंने आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आपके इष्ट चुनाव की बात पूर्व में आपको बता दी है एक उपाय है और वो उपाय है आप अपने इष्ट देवता की खूब आराधना करिए खूब अर्थात खूब जितना हो सके आपको केवल एक ही काम करना है अपने इष्ट देवता की आराधना करना क्या इससे फायदा मिलेगा जी हां इष्ट की आराधना से जातक के आत्म जातक के पास बल आ जाता है सकारात्मक ऊर्जा उसकी जागृत हो जाती है उसके तत्व तो जागृत हो जाते हैं उसका आत्मविश्वास जागृत हो जाता है और जीवन में सारा खेल ही आपके आत्मविश्वास और आपकी सकारात्मक ऊर्जा का है तो पहला उपाय आप अपने इष्ट देवता की भरपूर आराधना करिए हर जगह हर समय आपको अपने इष्ट देव की आराधना करनी होगी दूसरा उपाय आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि लग्नेश पंचमेश और नवमेश इन तीनों त्रिकोणों में से किस घर का स्वामी अत्यंत बलि है कोई भी हो लग्नेश बली हो तो सबसे बढ़िया अर्थात आप आपका व्यक्तित्व आप अपने व्यक्तित्व को जागृत करिए तो व्यक्तित्व को जागृत करेंगे तो आपको हर चीज के लिए संघर्ष अवश्य करना पड़ेगा लेकिन चीजें मिल जाएंगी आपको तो आप अपने लग्नेश को बलि कर सकते हैं भले महादशा कोई भी चल रही हो आपको संघर्ष थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा लेकिन चीजें मिलेंगी आपको दूसरा है आप अपने पंचमेश को जागृत करिए अर्थात अपने ज्ञान को जागृत करिए पहला तो हुआ कि आपका दबदबा हो व्यक्तित्व तो जागृत हो जाए तो आप जिससे भी मिले उस पर हावी हो जाएं, उस पर अपना प्रभाव डाल दें और अपने मन के अनुकूल आप जो चाहें वो करवा लें ये पहला विकल्प दूसरा विकल्प है आप अपने ज्ञान को जागृत कर लीजिए अर्थात अपने पंचम भाव को जागृत कर लीजिए पंचमेश जो भी ग्रह है वो आपके इष्ट देवता के रूप में भी मैंने वहां से समझाया था क्यों इष्ट देवता पंचम से चुनना चाहिए सब बताया हुआ है मेरा तो आप अपने पंचमेश पंचमेश के मंत्र को को जपिए बलवान करिए और तीसरे नंबर में है अपने भाग्य को भाग्य को तीसरे नंबर में क्यों पहले ही नंबर में भाग्य को क्यों नहीं क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचिरा कर्म प्रधान है ये विश्व तो सीधी सी बात है कि भाग्य के बदौलत सब नहीं होगा भाग्य चाहिए हर जगह भाग्य का सहयोग लगेगा हर जगह लेकिन हर जगह भाग्य ही सब कुछ करेगा ऐसा नहीं कहा जा सकता अर्थात आपको अपने कर्म को आगे करना होगा तो पहला तो था दूसरा आपका ज्ञान और तीसरे नंबर में आपका भाग्य जागृत कैसे करना है यह आपको मैंने पूर्व में बता रखा है कि यहां पर जो जो राशियां हैं लग्न में जो राशि बनी हुई है उस राशि के अधिपति हैं जो वो या उस राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो उनका मंत्र जपना उनसे संबंधित वस्त्र का धारण करना उनसे संबंधित खाद्यान्न अपने खाने पीने में शामिल करना इनसे संबंधित जो रिलेशन है, अब में इस के है तो मंगल से संबंधित रिलेशन क्या है आपका छोटा भाई तो आपके छोटे भाई का पूरा पूरा सम्मान करिए तो उसी तरह से जो रिलेशन उससे जुड़े हुए हैं उसका सम्मान करिए तो उससे वो ग्रह जागृत हो जाएगा आपका और जब वो ग्रह जागृत हो जाएगा तो वो अपने अनुसार अपने परिस्थितियों के अनुसार अब उदाहरणार्थ इसी किसी भाव में से कोई सनी अगर आपके बन जाते हैं ग्रह तो आपने शनि को जागृत कर लिया सनी को जागृत तो कर लिया लेकिन शनि अपना प्रभाव अपने अनुसार ही देंगे उनका प्रभाव है विलंब से देना तो विलंब से देंगे लेकिन देंगे मेरे सूत्र तो आपको याद ही है होगा वही जो आप चाहते हैं बस तब नहीं जब आप चाहते हैं तो सूत्र तो रटे हुए हैं आप तो प्रिय दर्शकों आज जो मेरा यह मुख्य विषय था लगातार आपके जो प्रश्न आ रहे थे कि मेरी कुंडली में तो योग है परंतु मुझे मिल क्यों नहीं रहा इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आपकी महादशा आपका साथ नहीं दे रही है पारी उस पार्टी की चल रही है जिस जिस पार्टी में आप नहीं हैं इसलिए क्षमता तो है पर आप ले नहीं पा रहे हैं तो आप अपने व्यक्तित्व को जागृत करिए चाहे पार्टी किसी की भी चल रही हो आपका व्यक्तित्व तो इतना मजबूत हो कि किसी और को वोट जाए ही नहीं वो वोट केवल आप ही को पड़े उस क्षेत्र में तो कम से कम दबदबा आप ही का हो ये तो आशा तो करता हूं इससे सरल तरीके से आपको कोई नहीं समझा सकेगा आपने समझ लिया होगा कि कुंडली कमजोर चल रही है तो महादशा का साथ नहीं मिल रहा है बलवान करिए जिन ग्रहों को बलवान करने के लिए कहा अपने इष्ट देव को बलवान करिए उनकी आराधना करके आप देखेंगे कि बहुत हद तक जीवन में बदलाव आ रहा है आज के लिए बस इतना ही जाते जाते बता दू कल का विषय और दमदार और जबरदस्त है तो देखना मत भूलिएगा शाम आठ बजे मेरा ज्योतिषीय कार्यक्रम आज के लिए बस इतना ही इजाजत दीजिए पुनः मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार